शिमला मिर्च या अन्य सब्जियां, वो हरी के अलावा डिफरेंट और कलर की होती है, जबकि उसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू ज्यादा होता है। लेकिन बहुत सारे लोग हेजिटेट करते हैं। लेकिन सब्जियों के विषय में एक पाली हाउस के जो हमारे ग्रोअर्स थे वेजिटेबल, उनको एक समस्या थी कि उन्होंने कहा कि साहब हम जो अपने पाली फार्म में पैदा करते हैं शिमला मिर्च या अन्य सब्जियां, वो हरी के अलावा डिफरेंट और कलर की होती है, जबकि उसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू ज्यादा होता है। लेकिन बहुत सारे लोग हेजिटेट करते हैं। लेकिन होटल्स के समय में तो होटल वाले लेते थे क्योंकि उनके ग्राहक पसंद करते थे, लेकिन सामान्य रूप से घरों में लोग उसको समझते हैं कि शायद इसमें कोई कलर। तो मैं जो ऐसे लोग हैं जो पाली फार्म के भी सब्जियों को खरीदने के इच्छुक हैं, क्योंकि उन किसानों को समस्या हो रही है क्योंकि उनकी सब्जियां होटल बंद होने की वजह से सड़ेंगी, और जिस कीमत पर होटलों को दिया करते थे उससे एक चौथाई कीमतों पर देने को तैयार है, जबकि न्यूट्रिशन का इंग्रेडिएंट भी है, इसलिए उसको भी लेने पर आप विचार कर सकते हैं। और मैंने स्वयं इसलिए आज क्रय करके एक फोटो डाला है उन सब्जियों को, ताकि आपको कॉन्फिडेंस हो कि वो सब्जियां वास्तव में पाली फार्म की एक डिफरेंट न्यूट्रिशियस वैरायटी है। जनपद के सभी वेजिटेबल ग्रोअर्स की भी बैठक की, उसका उद्देश्य था आकलन करने का कि जायद में जो फसलें लगाई जाती हैं उसमें अधिकांशतः सब्जी होती है, उनको कोई समस्या तो नहीं आ रही पूरे जनपद। तो पूरे जनपद के हर क्षेत्र से कुछ न कुछ ग्रोअर्स थे, तो उन्होंने खाद रसायन इन विषयों पर कोई समस्या नहीं बताई। उन्हें मैंने ये भी प्रेरित किया कि जो भी आपका दर है मंडी में जिस दर पर बेचते हैं आढ़ती को, मार्केट में आप भी पता करो कि कहीं फुटकर विक्रेता उससे बहुत अधिक लाभांश तो नहीं ले रहा। अगर ऐसी स्थिति है तो किसान मंडी के आढ़ती और फुटकर विक्रेताओं की अलग अलग बैठकें कराकर उनके दर निर्धारण की कोशिश की जाए। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।